अस्सलाम वालेकुम तमाम देखती आंखों सुनते कानों को, आपके चैनल नॉलेज इज ओशन में खुश आमदी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो जो है वो मुकम्मल गज़ा के नंबर पे दो पे आता है। नंबर दो पे पहले पे दूध है और दूसरे पे वो आता है, ठीक है, जिसमें हर तरह की जो है वो प्रोटीन्स और हर तरह के यानी कि न्यूट्रिशंस पाई जाती हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं अंडे की। जी हाँ, अंडे की बात कर रहे हैं। अंडे के ऊपर एक बड़ा गाना भी बना हुआ था, आओ सुनाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। मतलब यानी कि ये इसलिए उन्होंने इस पर बनाया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और बहुत कॉमन और बहुत हेल्दी चीज़ है। इसकी कुकिंग कंडीशंस बताने के बाद मैं आपको इसके चंद बेनिफिट बताऊँगा। इसके कुकिंग कंडीशंस में जो है ये पहले नंबर पे, ये जब फ्राइड किया जाता है तो इसको हम चार में अकाउंट करते हैं। तो जो पहले नंबर पे है वो सनी साइड अप है, दूसरे पे ओवर इजी है, और तीसरे पे जो है वो ओवर मीडियम, और चौथे पे ऑमलेट, और फिर उसके बाद वाइल्ड में दो कंडीशंस आती हैं। वाइल्ड में इसको हम कहते हैं जो है वो हार्ड बॉइल्ड और सॉफ्ट बॉइल्ड, और उसके बाद इसमें जो है स्क्रैम्बल और जो है पोस्ट एग आता है। ये इसकी जो है कुकिंग कंडीशंस हैं। और इसमें जो है बेनिफिट्स इसके जो है ये हर यानी कि पूरी बॉडी में हर हिस्से के लिए इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी सब जो है हर तरह के। अब इतने इसके बताने शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें हर तरह का विटामिन पाया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको मैं बताऊं कि ये आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। सर से शुरू करते हैं फिर नीचे तक जाएंगे। आपके लिए जो है वो जो बाल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है आपके आईज़ के लिए बहुत अच्छा है, और आईज़ के इर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपकी जो हार्ट बीट है यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ जाती है तो वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। देखो मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि आपने अगर वेट लूज़ करना है तो आपको सबसे पहले जो है वो एग खाने पड़ेंगे। जो है हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त एक जिम में गए तो हमने वहाँ से गाइड से पूछा कि हम इसने जो है मोटा होना ये क्या खाए, और मैंने पतला होना क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ तो मैं क्या खाऊँ। तो उसने कहा कि आपने अगर जो है वो वेट लॉस करना है तो आप एग खाएं। उसको कहा तो उसने कहा कि आप भी एग खाएं। ये क्या, हम तो कंफ्यूज हो गए कि दोनों, मोटे होने के लिए भी एग और पतले होने के लिए भी एग। तो उसने कहा कि आपने जो है वो एग होल एग खाना है, एग योक समेत, तो वो आप मोटे हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ एग वाइट यूज़ करना है तो फिर आप पतले हो जाएंगे। और इसी के साथ ये आपके टीथ के लिए और आपकी जो बोन्स हैं सारी बोन्स उनके लिए बहुत यानी कि फ़ायदेमंद है, और हार्ट बीट जो है वो उसके लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे और अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।